हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश, स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल सो के लिए यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक बैटरी चार्जर विद प्रोटेक्शन के साथ। इसमें हम किसी भी प्रकार की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यह वीडियो। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एक MDF बोर्ड का टुकड़ा मैंने लिया है, इसी के ऊपर मैं ये सब बनाऊँगा। आप भी अपने अनुसार ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक 3 एम्पियर 12.0 का ट्रांसफार्मर ले रहा हूँ। वैसे ये 12.0.12 का है, लेकिन मैं एक 12 वोल्ट को यहाँ से हटा लूँगा, यानी एक जो केबल है उस पे मैंने टेप लगा रखी है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे छुपा के रख दूँगा, यानी टेप लगा के चिपका दूँगा यहाँ पे। लेकिन आप लोगों को 12.0 का ट्रांसफार्मर ही लेना है। और अब इसको मैं ग्लू स्टिक के द्वारा MDF बोर्ड पर चिपका लूँगा। अब हम यहाँ पर FR306 नंबर के 4 डायोड लेंगे, देख सकते हैं, और इनका अब बना लूँगा मैं ब्रिज रेक्टिफायर। जैसा कि हमने कई वीडियो के अंदर ऐसा ब्रिज बनाया है, तो यहाँ पर भी मैं जल्दी जल्दी ब्रिज बना देता हूँ इसका। मैंने चारों मुंह पे इसके सोल्डरिंग कर दी है, तो ये गर्म है। मैंने इसको चिमटे से पकड़ लिया है और कटर से मैं इसको काट देता हूँ। अब थोड़ा ठंडा हुआ है, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने ब्रिज बना लिया है। और अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ समझा देता हूँ। जिन 2 डायोडों के बीच में वाइट मुँह है, ये पॉजिटिव रहेगा आउटपुट के लिए, और यहाँ पर जो ब्लैक वाला है ये नेगेटिव रहेगा, और ये जो 2 पॉइंट है वहाँ पर इनपुट रहेगा। अब यहाँ पर हम लेंगे एक 3300 माइक्रोफेरड 25 वोल्ट का कैपेसिटर, ठीक है। तो हम इसका कनेक्शन करते हैं ट्रांसफार्मर के साथ और डायोडों के साथ। तो चलिए हम यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम लेंगे एक IC LM317। इसकी पिन आउट आप देख सकते हो साइड के अंदर, जैसा कि मैंने बता रखा है। और ये एक एल्यूमिनियम की मैंने पत्ती ली है, तो इसी हिसाब से आप लेके, ताकि ये हीट नहीं हो, और 2 पेच लेके तो इसको कस देंगे नट बोल्ट के द्वारा, देख सकते हैं दोस्तों। और इसको कसने के बाद में यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने 2 पोटेंशियल मीटर लिए हैं, जिनको बेस पोर्ट भी बोला जाता है। ये 10 के हैं। तो यहाँ पर मैं इसको एक को चिपका दूंगा, और इसी प्रकार से जो IC हमने हीटसिंक के साथ लगाई है इसको भी मैं यहाँ चिपका लूँगा। तो इस 10K के पोटेंशियल मीटर को थोड़ा आगे लगा देते हैं यहाँ से हटा के, और अब बाकी के कनेक्शन करते हैं। मैं आपको सारी जानकारी दूंगा वीडियो के अंदर कि हमने किस प्रकार से कनेक्शन किए हैं, तो ये सारी डिटेल मैं आपको नज़दीक से बताऊंगा। आप एक बार इसको देख लीजिए पहले। यहाँ पर हमें एक 1/4 वाट की रेजिस्टेंस लेंगे, 220 ओम की, और इसको हम IC की एडजस्टेबल पिन और वोल्टेज आउटपुट की पिन पे लगा देते हैं पहले, और दूसरे नंबर की पिन पे। यहाँ पर हमने एक वायर लिया है, और इसको हम पोटेंशियोमीटर के बीच वाली पिन से लेके और IC की 1st नंबर पिन पे लगा देंगे। और अब लेंगे हम एक 12 वोल्ट का रिले, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम इसको यहाँ पे चिपका लेंगे इस प्रकार से। जैसा कि साइड में आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर हम रिले की कॉमन वाली पिन और कॉइल की एक पिन पर एक वायर का टुकड़ा सोल्डरिंग कर देंगे। और फिर से हम एक 10K का पोटेंशियल मीटर ले लेते हैं, और इसको रिले की कॉइल के एक पिन पे लगा लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक रेड और ग्रीन कलर की 3 mm की LED लेंगे, और इसकी पॉजिटिव पिनों को रिले की इन दोनों पिनों पे इस प्रकार से लगा लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हम लेंगे एक 1K का रजिस्टेंस 1/4 वाट का, और इसको पोटेंशियल मीटर की 1st नंबर वाली पिन पे
लगा के और दोनों एलईडीओ के ग्राउंड पे इस प्रकार से लगा देंगे, यानी माइनस पे। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ पर बैटरी चार्ज करने के लिए हम इस प्रकार से दो चिमटे ले लेंगे, एक ब्लैक और रेड कलर में विद वायर के साथ। और इसका कनेक्शन हम इस प्रकार से कर देंगे जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों। और अब लेंगे हम एक पावर कॉर्ड और इस पावर कॉर्ड को हम ट्रांसफार्मर पे लगाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पर हम हीटसिंक ट्यूब ले लेते हैं और इसको हम पावर कॉर्ड और ट्रांसफार्मर के वायरों के साथ सोल्डरिंग करके फिक्स कर देंगे। दोस्तों वैसे मैं इन सभी पार्ट्सों का बाइंग लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से परचेज कर सकते हैं या प्राइस भी देख सकते हैं। दोस्तों हमने ये पूरा सर्किट कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मैं यहां पर आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूं कि हमने एक यहां पे एक मिस्टेक कर दी है, छोटी मोटी नहीं बड़ी है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो उल्टा लगा हुआ है, ठीक है, हम इसको सीधा करते हैं। अगर आप लोगों को ये चीज़ पता थी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ईमानदारी से। तो चलिए अब हम इसको सीधा कर देते हैं। यहाँ पर हमने जो ब्लैक वाला वायर था उसको नेगेटिव लिया है और रेड वाले वायर को हमने पॉजिटिव लिया है, तो कैपेसिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव पे इसी प्रकार से ये वायरिंग वापस से हम कर देंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि दो डायोडों के बीच में सिल्वर पट्टी पॉजिटिव होती है और ब्लैक वाला जो हिस्सा होता है वो नेगेटिव होता है, तो इस प्रकार से हमने पूरा कनेक्शन कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल बारीकी से देख सकते हैं, मैं आप लोगों को बिल्कुल बारीकी से नज़दीक से बता रहा हूँ दोस्तों। और अब बारी है इसकी टेस्टिंग की, चेकिंग की। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को टेस्टिंग करके बताता हूँ प्रैक्टिकली कि किस प्रकार से ये वर्क करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर को पॉजिटिव और नेगेटिव वाली चिमटियों पे जोड़ दिया है और यहाँ मैंने इसको एसी में लगा दिया है। और जैसे कि आपने ये बैटरी देखी 12 वोल्ट 7 एम्पियर की थी, तो इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को बताऊँगा और भी बैटरियाँ यहाँ पर मैं आपको बारी बारी से बताऊँगा कि किस प्रकार से उनका कनेक्शन होगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि उसको 12 वोल्ट डीसी पे रख के और यहाँ पे मैं वोल्टेज सेट कर रहा हूँ इस बैटरी के लिए, तो बैटरी के अंदर लगभग मैं यहाँ पे 13.5 वोल्ट से 14 वोल्ट के लिए चार्जिंग के लिए वोल्टेज रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी है तो उससे ज़्यादा वोल्टेज ही यहाँ पर हमें चाहिए। और उसके बाद में क्या करना है आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। जैसे कि हमने यहाँ पे 13.60 वोल्टेज रख लिए हैं इस बैटरी को चार्ज करने के लिए, और ये रेड वाली जो लाइट जल रही है तो हम इसको ऑटो कट कहाँ पे करेंगे, तो उस नज़दीक पॉइंट पे हम इसको कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे घुमा के बताया हूँ। तो जैसे ही हम इसको यहाँ पे करेंगे तो ये वोल्टेज जीरो हो जाएंगे, मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं, और लाइट ग्रीन हो गई, तो हमने इसको वापस से कर दिया है। तो इस पॉइंट पे हमें इसको रखना है कट करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों चिमटियाँ अगर हम बैटरी पे लगा देंगे और बैटरी के वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा उस पर ये ऑटो कट हो जाएगी, जो कि हमने 13.60 रखा था, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों हम लेंगे एक 3.7 वोल्ट की बैटरी और इसको यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इसको चार्ज करने के लिए हमें लगभग 4.5 वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें मैक्सिमम लगभग 17.5 वोल्टेज तक यहाँ पे आ रहे हैं और मिनिमम हम 2 वोल्टेज के लगभग कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने इसमें 2 वोल्टेज तक कर दिया है, और यहाँ पर हम इस बैटरी को चार्ज करने के लिए लगभग 4.5 वोल्टेज पे कर देंगे, जैसा कि हमने अभी 3.7 वोल्ट की ये बैटरी ली है, ठीक है। और इसी प्रकार से 4 वोल्टेज की जो बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए हमें लगभग 5.5 वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसको 5.5 वोल्टेज पे सेट करके चार्ज कर सकते हैं, ठीक है।
और इसी प्रकार से हम 6 वोल्ट की बैटरी लेंगे और 6 वोल्ट की बैटरी को हम 7 से 7.5 वोल्टेज पे रख के सेट करके और इसको चार्ज कर सकते हैं। तो जैसा कि अब मैं आप लोगों को इसको 7.5 वोल्टेज पे करके बताता हूँ, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये 6 और ये हमने 7.5 वोल्टेज के लगभग कर लिया है, 7.54। तो हम इस 6 वोल्ट की बैटरी को यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं और ये ऑटो कट कहाँ पे होगा तो वहाँ पे इसको सेट कर लेंगे, यानी ऑटो कट से थोड़ा सा पहले। तो आप देख सकते हैं रेड से अब ग्रीन होगा ये इससे, और ये जैसे ही ये ग्रीन हुआ और ऑटो कट होने के लिए ये मीटर में 0 आ गए हैं इस बैटरी के लिए, 6 वोल्ट की बैटरी के लिए। ठीक है, तो हम ऑटो कट से ठीक पहले कर देंगे उस पॉइंट पे, और इस प्रकार से हम ये सारी बैटरियाँ चार्ज कर सकते हैं। तो जैसा कि अब मैं आप लोगों को ये 12 वोल्ट की बैटरी है 7 एम्पियर की, तो इसके वोल्टेज चेक करके बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज हम चेक करेंगे तो जो वोल्टेज हैं इसके लगभग 10.69 वोल्टेज आ रहे हैं, और इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पर किस पॉइंट पे ऑटो कट करना होगा तो यहाँ पे सेट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो अब की बार हम लगभग 14 वोल्ट के लगभग करेंगे, यानी 13.92, चलिए यहाँ पे हम 13.97 वोल्टेज पे कर लिए हैं। ठीक है, और किस पॉइंट पे हमें ऑटो कट करना है यानी इससे नज़दीक हमें रखना है ये, तो यहाँ पे हम जैसे ही इस बैटरी को चार्ज करेंगे और इसके जो कि 10 पॉइंट कुछ वोल्टेज थे तो ये 13.97 वोल्टेज पे फुल चार्ज होने के बाद में ऑटो कट हो जाएगी, यानी हमारी ये बैटरी चार्ज हो जाएगी फुल। इस प्रकार से यहाँ पर हम सारी बैटरियाँ चार्ज कर सकते हैं, वो भी विद प्रोटेक्शन के साथ, यानी कोई डर नहीं है। चाहे तो आप इसको चार्जिंग पे लगा के भूल जाओ, ये ऑटोमेटिकली ऑटो कट हो जाएगी यहाँ पर। तो देखा दोस्तों हमने किस प्रकार से बनाया है ये ऑटो कट ऑफ बैटरी चार्जर, आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन के बेल पे क्लिक करना ना भूले, और वीडियो को कर दीजिए दोस्तों शेयर भी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।